बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रजी वीज़ा एडवाइज़र यूट्यूब चैनल और मैं आपका होस्ट रजील हसन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल के थ्रू मेरा और आपका तल्लक बरकरार रह सके। आज मैं बात करने लगा हूँ इजिप्ट के विजिट वीज़े के बारे में। आपने ये वीडियो लास्ट तक लाजमी देखनी है ताकि आप कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें कि इजिप्ट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रोसेसिंग टाइम क्या है, उसके अलावा वीज़े की जो है फ़ीस क्या है और वीज़ा कितनी देर का इशू हो रहा है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने किधर जमा करवाना है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। जो मोस्टली लोग हैं वो इजिप्ट जाते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए। कायरा और अलेक्जेंड्रिया दो मेन सिटीज़ हैं उनके, जिधर आप ट्रैवल एंड टूरिज़म के लिए जा सकते हैं। बहुत फेमस प्लेसेज हैं उधर। आपको जो आप अगर नेचर से प्यार करते हैं या हिस्ट्री से प्यार करते हैं तो आप इंजॉय करेंगे। उसके अलावा जो है काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए जाते हैं, क्योंकि इजिप्ट का वीज़ा जो है वो स्टिकर वीज़ा है, आपके पासपोर्ट पे एक अच्छा एडिशन होगा अगर आप इजिप्ट का वीज़ा लगवा लेते हैं। अगर आपके पास इजिप्ट का वैलिड वीज़ा है और आप टर्की का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं टर्की विजिट वीज़े के लिए। अगर आप टर्की का अप्लाई करना चाहते हैं पहले आप इजिप्ट का कर लें और वाया टर्की अगर आप इजिप्ट की टिकट रखते हैं तो चांसेस है कि आपको टर्की का वीज़ा भी बआसानी मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी एप्लीकेशन आपने किधर जमा करानी है। एप्लीकेशन जो है वीज़ा एप्लीकेशन वो आप TCS ट्रॉनिक के मुख्तलिफ सिटीज़ में ऑफिस हैं उधर जमा करवा सकते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सियालकोट, गुजरांवाला, इसके अलावा भी बहुत से सिटीज़ हैं। आपका जो नियरस्ट सिटीज़ हो आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो है उधर जमा करवा सकते हैं। इजिप्ट विजिट वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए? इजिप्ट विजिट वीज़े के लिए आपका पासपोर्ट चाहिए, ID कार्ड की कापी चाहिए, 4 पिक्चर चाहिए वाइट बैकग्राउंड, NTN चैम्बर सर्टिफिकेट, उसके अलावा आपने इनविटेशन लेटर मंगवाना है इजिप्ट से। आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, लास्ट 3 मंथ की बैंक लेटर, आपने लास्ट 1 ईयर की टैक्स रिटर्न जो जमा करवाई है उसकी कापी चाहिए, डेंगू टेस्ट चाहिए, उसके अलावा कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए, उसके अलावा एयर टिकट है, होटल बुकिंग है, इंश्योरेंस है, ये चंद चीज़ें हैं जो आपको मस्ट चाहिए। उसके अलावा भी आप समझते हैं कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है या कोई ट्रैवल हिस्ट्री है आपके पुराने पासपोर्ट पे, इस पासपोर्ट पे आप साथ वो भी अटैच कर सकते हैं। जो मोस्टली TCS ट्रॉनिक्स के थ्रू आप केस जमा करवाएंगे तकरीबन 28 से 30 दिन का प्रोसेस है, प्रोसेसिंग में तकरीबन 28 से 30 दिन लग जाते हैं। और इसकी जो फीस है वो कैटेगरी के हिसाब से है, अगर आप टूरिज्म अप्लाई कर रहे हैं तो 3400 है और प्लस 1100 इसकी TCS के चार्जेस हैं। अगर आप विजिट कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो 5300 है और प्लस 1100 जो है वो TCS ट्रॉनिक्स की चार्जेस है। अगर आप ये वीज़ा हमारे थ्रू प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे और विद इन टाइम आपकी एप्लीकेशन जमा करवाएंगे और आपको 100% जो है वीज़ा इशू करवाएंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट में कोई कमी पेशी है फिर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपका एक अच्छी फाइल रेडी करा के आपका केस जमा करवाएंगे ताकि आपको वीज़ा मिल सके। अगर आपको इनविटेशन नहीं मिल रहा, बाकी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आप इनविटेशन के लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप पूरा प्रोसेस हमारे थ्रू कराना चाहते हैं तो इंशाल्लाह वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। आपको डोरस्टेप पे वीज़ा मिल जाएगा, आपको एम्बेसी या TCS ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए विजिट वीज़ों और बिज़नेस वीज़े और टूरिस्ट वीज़ों के बारे में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।